मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं पर एक साथ निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हालत अजब गजब हो गई है। सोनिया गांधी की कांग्रेस पहले खड़गे की कांग्रेस बनी, अब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की कांग्रेस हो गई है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर के भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने अपने बेटे नकुलनाथ को टिकट बांट दिए और अब टिकट को लेकर के कोलाहल मचा हुआ है। लेकिन कांग्रेस के लोग दिनों रात पानी पी के मुझे गाली देते रहते, कभी कन्या भोज के बहाने, कभी किसी और बहाने, कभी नारियल फोड़ो, कभी फलाना करो। तुम यार दुबले पत्ते आदमी, उसने डरते कहा है? सपने में भी चिल्लाते हैं शिवराज शिवराज शिवराज, क्योंकि ये डरे हुए लोग ये प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता सहन नहीं कर पा रहे। इनको पता है कि पीएम कह चुके ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और इसलिए भारत की राजनीति में पहली बार ऐसा हो रहा है कि दो बेईमान नेता है वो जेलों में भी जा रहे हैं जेलों पर। ये जितने इंडिया गठबंधन वाले, इंडी गठबंधन, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भांग मदीने कुंबा जोड़ा, लेकिन कमलनाथ ने उसको ही तोड़ा। वो गठबंधन की धज्जी उड़ाती, वो अखिलेश चिल्ला रहा है कि मेरी सीट मेरी सीट, तो कमलनाथ ने कहा अखिलेश का कब अखिलेश। अभी इनका इंडी गठबंधन, एक बार नर्मदा जी में बाढ़ आई, बाढ़ में हमारे पास के गांव में एक मंदिर था, वो पुजारी जी कह गए, और पटवा रहते थे पहले गांव में, पटवा जानते ना, पटिया के बंदे जब तो खत्म हो गए लेंटर में, तो पटवा वाला घर था उनका, तो पटियों पर बैठ गए और जाके बाद में पेड़ पकड़ लिया, पेड़ पे चढ़ गए। दूसरे दिन जब सवेरा हुआ तो हम कुछ उत्साही नौजवान एक नाव लेके, तब ये मोटर वोटर बोट नहीं होती थी, लेके निकले के यार वहां को धोती हिला रहे थे कि यार वहां फंसे हैं जरा, चलो बचाने की कोशिश करें, इतनी बोट वोट होती नहीं थी। ये मैं बचपन की बात बता रहा हूँ, जब मैं थोड़ा बड़ा हो रहा था, तो नाव जब हम पहुंची तो हम आश्चर्यचकित रह गए। एक ही पेड़ में पंडित जी भी थे, एक सांप भी लिपटा था, एक बंदर भी बैठा था, चीटे चीटी बहुत से ऊपर नीचे हो रहे थे, लेकिन ना तो सांप फुफकार रहा था, ना आदमी मार रहा था, ना बंदर काट रहा था, अपनी अपनी डाल पर चिपके थे सब, क्योंकि नीचे बाढ़ का पानी था। तो मोदी जी के समर्थन की बाढ़ जो आई, तो ये सब के सब इंडी गठबंधन वाले, कांग्रेस सपा आप सब एक एक पेड़ पर चढ़ गए। लेकिन मैंने जो बाढ़ में देखा था, वहां तो लड़ नहीं रहे थे आदमी बंदर, यहाँ तो पेड़ पे बैठे बैठे भी लड़ रहे हैं। अखिलेश बखिलेश फलाना ढिमका, ये भला नहीं कर सकते, भला करेंगे तो नरेंद्र मोदी ही देश का भला करेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने तंज में कहा कि जब कपड़े फाड़ने की बात आई तो कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह को निशाना बना दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि टिकट वितरण में मची मनमानी की शिकायत करने पर जब कार्यकर्ता कमलनाथ के पास पहुंचे तो कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़ने भेज दिया। अब यह कांग्रेस का कपड़ा फाड़ कांग्रेस हो गई है। इसी के नाते से अब प्रदेश की जनता कमलनाथ को सबक सिखाने की तैयारी में है और इस बार कांग्रेस की हार निश्चित है। वीडियो टेस्ट kamarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।